हाय गाइस, आज है ना मैं आईफोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर नए पुराने सारे आईफोन्स हैं मेरे पास। आज की वीडियो में ना मैं आपको एग्जैक्टली गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की सेल पे कोई भी आईफोन खरीदने जाते हो तो टेक्निकली कौन सा आईफोन खरीदना राइट रहेगा। और मेरे को यार फिक्र थी आप लोगों की भाई कोई गलत आईफोन ना खरीद लो आप। जैसे कि आपको पता होगा यार, शॉर्ट्स पे भी है ना लोग मतलब हर तरीके की रिकमेंडेशन मिलती रहती है सबको, कभी शॉर्ट्स पे कभी रील पे कि भाई ये आईफोन खरीद लो वो खरीद लो। बट टेक्निकली कौन सा आईफोन आपको खरीदना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म चले, वो एक डिफरेंट आंसर होता है। तो भाई यहाँ पर प्राइजेस की बात नहीं करेंगे सिर्फ कि सेल में ये वगैरह रहेगा प्राइस, मैं आपको सही चीज़ रिकमेंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गाइस, स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदी एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहली एडवाइस टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, आईफोन 11 2023 में खरीदना मेरे हिसाब से बहुत बुरा डिसीजन रहेगा। अब इस आईफोन 11 में ना टेक्निकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आईफोन 11 में 5G है ही नहीं। और बिलीव मी, अगर आप एक आईफोन खरीदोगे एटलीस्ट 2 या 3 साल तो चलाओगे, और मैं मिनिमम बता रहा हूँ 2-3 साल, क्योंकि आईफोन इससे ज़्यादा भी चल जाते हैं। और इतने साल वो भी फ्यूचर के आने वाले, और उसमें 5G ना होना इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ना यार, ये आपका बहुत बैड डिसीजन हो जाएगा विदाउट 5G वाला फ़ोन लेना। सेकंड टेक्निकल चीज़ जो इस फ़ोन की बिल्कुल भी राइट नहीं है वो इसकी डिस्प्ले है यार। अब इसके बेजल्स तो बहुत बुरे लगते हैं भाई, कोई भी इग्नोर नहीं करेगा इतने मोटे मोटे बेजल्स, ये बहुत बैड लुकिंग है। इनफैक्ट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम डिस्प्ले की ये है कि अगर मैं धूप में इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ तो भाई इसकी आउटडोर विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इस फ़ोन की ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है। और तो और यार ये 720p डिस्प्ले है। चलो इसको मैं एक बारी को स्लाइड कर देता हूँ क्योंकि इतनी भी बुरी नहीं लगती डिस्प्ले लाइक रेजोल्यूशन वाइज, बट यार 720p सुनने में तो बुरा ही लगता है ना। और हाँ, शायद से आईफोन 11 की सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी भी देखी जाए तो अंदाजे से बता रहा हूँ शायद 2 साल ही बचे हैं, तो अपडेट्स भी नहीं मिलेंगी और नए फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। और इन दिनों में आईफोन तो सिनेमेटिक मोड के लिए भी जाना जाता है, तो भाई वो भी नहीं है इसके अंदर। देखो सिंपल सी एडवाइस है, अगर आईफोन 11 आपको सेल में 25,000 से 30,000 में भी मिलता है ना, मतलब अंडर 30 भी मिलता है, तो अपने आप को इतना पेन मत दो यार एक आईफोन के लिए। मतलब ये एक भाई की तरह एडवाइस दे रहा हूँ आपको। अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा आईफोन आपको खरीदना चाहिए। वैसे एक ये भी अवॉइड करना iPhone SE 3, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इसकी तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा ये फोन है, बट यार आईफोन की नजरिए से देखा जाए ना एक मतलब आईफोन सच में बहुत अच्छे रहते हैं, ये इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। देखो ये जो फोन है ना 5G के साथ तो आता है, इनफैक्ट इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, लेकिन इसमें सिंगल कैमरा होना मतलब ना ही अल्ट्रा वाइड ना ही टेलीफोटो, ये बहुत मेजर मिसिंग फील होता है। उससे भी बड़ी बात, इस फोन में नाइट मोड नहीं है यार, अगर लो लाइट की सिचुएशन आई तो कैसे फोटोज खींचोगे इस फोन से। और पर्सनली मेरे को इस iPhone SE 3 का ना सबसे बुरा डिस्प्ले वाला पार्ट लगता है यार, एक तो बेजल्स इतने बड़े हैं, ऊपर से आज के टाइम पे ना मुझे समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सी डिस्प्ले में हम क्या ही ज्यादा कॉन्टेंट देख पाएंगे। iPhone 8 से इंस्पायर्ड है यार पूरी डिजाइन लैंग्वेज ही। एक रियल एडवाइस दे रहा हूँ, चाहे ये फोन आपको सेल में कितना भी सस्ता मिले, अगर आपको आईफोन खरीदना है और आपको सच में आईफोन का एक्सपीरियंस चाहिए, iPhone SE 3 बिल्कुल भी वो आईफोन नहीं होने वाला। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप कौन सा आईफोन खरीद सकते हो। देखो iPhone 12 mini है मेरे पास, ये हम iPhone 12 की बात करते हैं। अभी लीक्स के रूमर्स पता क्या कह रही है कि iPhone 12 जो है सेल में 30,000 से 35,000 के अराउंड मिलेगा, और मैं आपको बहुत लाइक स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ फायदे के लिए आपके, कि 30,000 से 35,000 में अगर आप इस फोन को खरीद लेते हो, चाहे फिर वो क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लगा के हो, चाहे कुछ भी डील वगैरह आप ग्रैब कर लेते हो, 30 से 35 में ये फोन सबसे ज्यादा स्वीट डील बोली जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप iPhone 12 के लिए 35,000 से ऊपर दोगे ना, हो सकता है आपको रिग्रेट फील हो कि यार थोड़ा और पैसा लगा लेता आपको बेटर चीज मिल जाएगी, वो मैं आगे बताऊंगा क्या है बेटर चीज। तो मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बता देता हूं, अगर 30-35 हज़ार में आप iPhone 12 लेने जाते हो और आपको सिर्फ iPhone ही चाहिए तो iPhone 12 देख लेना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये 5G सपोर्ट करता है, लाइक iPhone 12 सीरीज पूरी 5G होना बहुत बड़ा बेनिफिट है। इनफैक्ट अगर मैं इसके बेजल्स दिखाऊं और यहां पर OLED डिस्प्ले मिलती है तो कलर्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं। इनफैक्ट इस फोन की आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक है, और क्योंकि iPhone 12 MagSafe भी सपोर्ट करता है तो काफी सारी एक्सेसरीज भी लग जाती है इसमें। और iPhone 12 में ना 12+12 megapixel का कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड है इसके अंदर, और 30,000 के अराउंड इसका प्राइस में सोच के चलो तो भाई इसकी जैसी वीडियोस मेरे को नहीं लगता और कोई फोन रिकॉर्ड कर सकता है। इनफैक्ट फोटोज के लिए भी ये डिसेंट बोला जाएगा, अच्छी फोटोज खींच सकता है। और अगर मैं मिनिमम ये मान के चलूं कि ये फोन 3 साल के अपडेट देगा तो भाई एंड्रॉइड के मुकाबले ये चीज सही लग रही है। और हाँ यार iPhone 12 को लेकर ना मुझे एक चीज की फिक्र तो है कि 64GB स्टोरेज है, और सच बता रहा हूँ बहुत कम होती है 64GB, शायद आपको एक
आईक्लाउड प्लस वगैरह खरीदना पड़े, बट यार कोशिश करना यार 30,000 के अराउंड ही ले सको, मतलब मिनिमम चले जाना, तभी आपको मज़ा आएगा इसमें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईफोन 13 की, और ये एक अकेला ऐसा फ़ोन है जो इस साल मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा जिसको भी आईफोन चाहिए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ना आईफोन 13 सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगा। रूमर्स या फिर लीक्स की मानी जाए तो 40,000 से 43,000 रुपीज़ का ये फ़ोन मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से भाई इस साल की सबसे क्रेजी डील रहेगी, और नो डाउट ये फ़ोन बहुत सही है भाई। देखो पहली बात, ऑब्वियसली ये फ़ोन 5G सपोर्ट करता है, और आईफोन 12 के मुकाबले अगर मैं आईफोन 13 की नॉच दिखाऊं तो भाई छोटी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आईफोन 12 में तो आपको 64GB मिलेगी ना कम से कम प्राइस में, यहाँ पर आईफोन 13 में बेस वेरिएंट 128GB से ही स्टार्ट है, तो मुझे लगता है स्टोरेज बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। और अगर आईफोन 13 के कैमरे की बात की जाए ना, देखो 12+12 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसके मेन कैमरे का जो सेंसर है वो इम्प्रूव्ड है, लो लाइट में बेटर फोटोज खींचता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आईफोन्स में ना सिनेमेटिक मोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, iPhone 13 में मिलता है, अच्छा वर्क करता है। और हाँ, मैंने iPhone 13 को 12 के साथ कंपेयर करके देखा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ी कॉन्फिडेंट प्रोसेसिंग है, बट वो काफी जूम करने पे दिखता है। देखो सिंपल सी बात है, 2023 के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि iPhone 13 आज भी मॉडर्न बोला जाएगा, और जिस प्राइस पे आई थिंक ये मिलेगा, मुझे लगता है कि वो सेंस बनाएगा सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं iPhone 14 के बारे में। अब लीक्स और रूमर्स का तो ये कहना है कि iPhone 14 जो है 50,000 रुपीज के आसपास आएगा। देखो मासिस को देखते हुए कह रहा हूँ, iPhone 13 और iPhone 14 एक ही चीज है, इतने मामूली चेंजेस है शायद आपको मैटर भी ना करे। जैसे कि iPhone 13 के मुकाबले iPhone 14 में एक फीचर है सैटेलाइट कनेक्टिविटी, एंड गेस व्हाट, सैटेलाइट कनेक्टिविटी इंडिया में है ही नहीं, वर्क ही नहीं करता। फिर iPhone 13 के मुकाबले iPhone 14 के अंदर एक और फीचर है एक्शन मोड, अगर वो आपको बहुत मैटर करता है, अगर आपको भाग तो ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो iPhone 14 में वो एक्स्ट्रा फीचर है कि स्टेबल वीडियो हो जाएगी। बट पता है सबसे क्रेजी बात क्या है, iPhone 13 और iPhone 14 में एक ही प्रोसेसर है A15 बायोनिक, सेम ही है, बस iPhone 14 में जो A15 बायोनिक प्रोसेसर है ना, उसका GPU थोड़ा सा बेटर है iPhone 13 के मुकाबले, सच में आपको मैटर भी नहीं करेगा। तो पता है मेरी एडवाइस क्या रहेगी आप लोगों के लिए, आप है ना पैसे बचाओ और iPhone 13 ही खरीदना, iPhone 14 नहीं है चेंज, बिलीव मी। बस एक ही यहाँ पे शर्त है, अगर आपको बड़ा आईफोन चाहिए हो तब iPhone 14 प्लस देख लेना, अगर अच्छे प्राइस पे मिल रहा हो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो मेरे से इतना ज्यादा पूछा है लोगों ने, कि iPhone 15 खरीदे या फिर iPhone 14 Pro। एकदम ऑनेस्टली बताऊं आपको इसका आंसर क्या है, भाई iPhone 14 Pro भी अच्छा है और iPhone 15 भी अच्छा है, सच में दोनों बहुत अच्छे फोन है, बट आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ कि दोनों फोन में डिफरेंसेस क्या है। देखो इस साल iPhone 15 मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत फैंटास्टिक फोन आया है, इसमें भी डायनेमिक आइलैंड है, इनफैक्ट अगर मैं इसका कैमरे की बात करूं तो मुझे ऐसा फील होता है जो HDR बेटर कर दिया है ना यहां पर इस साल आईफोन ने, iPhone 15 का HDR मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इनफैक्ट iPhone 15 में ना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है इस साल, वो है टाइप सी पोर्ट का होना। अब टाइप सी पोर्ट होने की वजह से ना आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे फिर वो SSD हो, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टाइप सी पोर्ट है तो चार्जिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई, ये केबल हर जगह रहती है। इनफैक्ट iPhone 15 और iPhone 14 Pro दोनों में 2000 nits की ब्राइटनेस है, तो अगर आपको लेटेस्ट आईफोन खरीदना है ना तो iPhone 15 बुरा नहीं है। बट iPhone 15 के मुकाबले पता है iPhone 14 Pro में क्या क्या एक्स्ट्रा है। देखो iPhone 14 Pro जो है ना आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट ला कर देगा, काफी स्मूथ स्क्रॉलिंग होती है, इसकी वजह से अच्छा लगता है देखना। और दूसरी बात, iPhone 14 Pro के अंदर ना हमें 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस मिल जाता है, जिसको टेलीफोटो लेंस बोला जाता है, पोर्ट्रेट मोड में अच्छा लगता है भाई यूज करना। लेकिन ये जो लेटेस्ट iPhone 15 है ना, इस साल एप्पल ने इसके साथ HDR इंप्रूव किया है, iPhone 14 Pro में आपको ऐसा HDR नहीं मिलेगा जैसा iPhone 15 में है। खैर जो iPhone 14 Pro है इसमें लाइटनिंग केबल ही लगेगी, आपकी टाइप सी नहीं है इसके अंदर, बाकी iPhone 14 Pro में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, iPhone 15 में नहीं है। तो सारी चीजें बॉइल डाउन करके पता है मेरी क्या एडवाइस है, अगर आपको टाइप सी बहुत मैटर करता है तो आपको जो है iPhone 15 खरीदना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट चाहिए और टेलीफोटो लेंस, तो वहां पर iPhone 14 Pro सेंस बनाएगा। और हाँ, फिर लास्ट iPhone 15 Pro और 15 Pro Max की बात करें, तो भाई ऑब्वियसली ये इस साल ही लॉन्च हुए, तो इनके ऊपर कोई भी डील या फिर ऑफर नहीं रहने वाला, तो ये एक्सपेक्ट मत करना। और हाँ, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो कि भाई 14 Pro खरीदे या फिर 15 Pro, तो भाई मेरा जवाब ये होगा, अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से लेटेस्ट आईफोन ही खरीदो भाई, बेटर है। इनफैक्ट टाइप सी पोर्ट सच में एक अच्छी चीज रहती है, क्योंकि एप्पल की आदत है कि यार लेटेस्ट आईफोन्स को लेटेस्ट फीचर्स ही रहते हैं। तो ये थी मेरी भाई आईफोन बाइंग गाइड, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, हो सके ना तो बिल्कुल अपने बजट देख के और ना बिल्कुल अपनी नीड्स देखकर ही आईफोन खरीदना। ये मत सोचना कि भाई बस आईफोन खरीदना है तो कोई भी खरीद लूं मैं, सेम एक्सपीरियंस नहीं होता, बिलीव मी। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ ना, आप इनमें से कौन सा फोन खरीदने वाले हो, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ यार। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।